ट्राई कीजिए सोयाबीन के एक अनोखे रेसिपी सोया चिली। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतामास किचन। आज हम बनाएंगे सोयाबीन के एक अनोखे रेसिपी, उसका नाम है सोया चिली। ये होगा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जूसी। आप इसको घर में इजीली चटपट बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं चटपट सोयाबीन चिली। सोया चिली बनाने के लिए हमने एक कप सोयाबीन लिए हैं और इसको हम गर्म पानी में 15 मिनट भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद ये सोयाबीन हमारा भीग कर नरम हो गया है। अभी इससे हम पूरी तरह से पानी निचोड़ लेंगे। अगर गर्म पानी में थोड़े से तकलीफ हो तो आप पानी को फेंक दीजिए या फिर पानी को थोड़े से ठंडा कर लीजिए। अभी ये सोयाबीन को कोट करने के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बड़े से बाउल लिए हैं और इसमें हम देंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप इसके जगह एरा रूट भी यूज़ कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच मैदा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़े से कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल सकते हैं। अभी इसमें हम देंगे 1 बड़े चम्मच जैसे अदरक लहसुन के पेस्ट, यहाँ पर हम देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको मिलाने के बाद हम इसमें देंगे थोड़े थोड़े करके पानी। एक सेमी थिक बैटर हमें तैयार करना होगा, ज़्यादा पतले भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। बैटर हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। पर ध्यान में रखिए इनमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। आप हाथों को भी इस्तेमाल करके इसको बिला सकते हैं। अभी इसमें हम देंगे सोयाबीन को हम यहाँ पर डाल देते हैं। सोयाबीन को देकर हम हाथों से इसको मिला देते हैं ताकि ये मसाला सोयाबीन में अच्छे से कोट हो जाए। सोयाबीन में मसाला को अच्छे से कोट कर दिया है और इसके कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए, ये देखिए, इससे ज़्यादा पतला ना कीजिए। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है और गर्म तेल में हम इसको एक एक करके छोड़ देते हैं और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। एकदम गोल्डन करके सोयाबीन को फ्राई करना है। एक साथ इतने सारे सोयाबीन को फ्राई कर रहे हैं। ये सोयाबीन हमारा एकदम पूरी तरह से गोल्डन हो गया है, ये देखिए गोल्डन करके हमने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये बहुत ही क्रिस्पी भी हुआ है। अभी इसको हम कढ़ाई से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सोयाबीन में अच्छे से बैटर या मिश्रण अच्छे से कोट हुआ है और टिश्यू पेपर के ऊपर तो रखना ही है ताकि एक्स्ट्रा तेल पूरी तरह से टिश्यू पेपर के अंदर चला जाए। अभी हम दूसरे बैच को भी ऐसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप हाथों की जगह स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक के बदले में एक साथ 4-5 भी डाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी होगा। ये हमने दूसरे बैच को भी ऐसी तरह से फ्राई कर लिया है। कलछी को ऐसे कढ़ाई के ऊपर थोड़े से रखना है ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निकल जाए और आप हम टिश्यू पेपर के ऊपर ऐसे रखते हैं। ये हमारा सोयाबीन फ्राई होकर रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सोयाबीन में मसाला कोट हुआ है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ है। आप साउंड को सुन सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब चलिए सॉस बनाना सीखते हैं। सॉस बनाने के लिए एक पैन गैस पे चढ़ाकर हम इसको पहले गरम कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, अभी इसमें हम देंगे 2 चम्मच जैसे तेल। तेल को देकर इसको ऐसे घुमा लीजिए ताकि
एकदम चारों ओर तेल फैल जाए। तेल हमारा गरम हो गया है, तेल से धुआं उठ रही है। अभी सॉस बनाने के लिए गरम तेल में हम देंगे लगभग 1.5 बड़े चम्मच जैसे बारीकी से कटे हुए लहसुन। लहसुन को 1-2 बार चलाना है। इसके साथ हम देंगे स्प्रिंग ऑनियन के सफेद वाला हिस्सा, इसको हमने बारीकी से काट लिया है। स्प्रिंग ऑनियन आपके पास अगर ना हो तो आप इसके जगह बारीकी से कटे हुए एक प्याज डाल सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे 1 कटे हुए हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सॉसेस और हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। हल्की से इसको फ्राई करके हम इसमें देंगे 1 चम्मच जैसे सोया सॉस। सोया सॉस देने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। अब जितना तीखा खाना पसंद करें उसके हिसाब से रेड चिली सॉस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसमें देंगे 1/2 चम्मच टोमेटो केचप। अभी इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, ये ऑप्शनल है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह कटे हुए हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एकदम हाई फ्लेम देकर इसको हमें पकाना है। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से नमक 1 चुटकी, क्योंकि सारी सॉसेस में नमक है और सोयाबीन में हमने नमक डाले थे, इसलिए 1 चुटकी नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से हरा शिमला मिर्च, इसको ऐसे स्क्वायर शेप में हमने काट लिया है। 1 प्याज, इसको भी ऐसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। प्याज के पेटल भी आप यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। अभी इसमें जाएगा थोड़े से रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर, ये ऑप्शनल है। अगर ये बेल पेपर आपके पास नहीं है तो आप हरा शिमला मिर्च इस रेसिपी में डाल सकते हैं। सब्जी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हमें थोड़े से जस्ट 1-2 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि सब्जी के क्रंचीनेस हमें बरकरार रखना है। इसमें हम देंगे 1 छोटा चम्मच विनीगर। अभी इसमें हम देंगे थोड़े से पानी। पानी डालने के बाद हम एक बाउल में 1 चम्मच जैसे कॉर्नफ्लोर लिए हैं और इसमें हम देंगे थोड़े से पानी, और पानी को हम अभी ऐसे कॉर्नफ्लोर के साथ मिलाने के बाद इसको ऐसे घोल लेते हैं। और ये कॉर्नफ्लोर के घोल हम इसमें थोड़े थोड़े करके इसमें डाल देंगे, ताकि ये सॉस थोड़े से थीक होकर बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आए। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर देने के साथ साथ ही एकदम सॉसेस के टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है। थोड़े थोड़े करके इसमें कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर देना है। थोड़े हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसमें देंगे हमारे सारे फ्राई किए हुए सोयाबीन को। ये देखिए सोयाबीन में हमने ये सॉस मिला दिया है। सोयाबीन को देखकर ज़्यादा इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोयाबीन हमारा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है, और सॉस देकर इसमें एकदम अच्छे से एक कोटिंग आ जाएगा। और इसको देकर हम 1 से 1.5 मिनट इसको चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा सूखे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं।
इसके बीच रखना है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ। ऊपर से हम स्प्रिंग ऑनियन के हरा वाला हिस्सा से इसके गार्निश कर देते हैं। खाने में ये बहुत ही बढ़िया है और आप इसको गरम गरम चावल, रोटी, पराठा या फिर चाउमीन के साथ गरम गरम परोसे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।